हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेंट्स कपड़े के ऊपर कि कौन सा कपड़ा हमें सिलवाने के लिए ठान में से कितना मीटर कपड़ा काट करके देना होता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम शॉर्ट के ऊपर। ये जो शॉर्ट देख रहे हैं, ये शॉर्ट का साइज़ जो है 3 साइज़ का जो है हमारे दुकान में चलता है। सबसे पहला साइज़ हो जाता है 36 इंच चौड़ाई वाला। तो 36 इंच चौड़ाई वाले कपड़े में एक नॉर्मल इंसान यानी कि 5.5 फीट से 6 फीट का इंसान है और 70 kg आसपास का वेट है, जो देख सकते हैं नॉर्मली, जो आदमी जो टहलते रहते हैं आपके आसपास में, तो वैसे इंसान को 2 मीटर 25 सेंटीमीटर से लेकर के 2 मीटर 40 या 50 से यानी कि 2.5 मीटर तक, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर से लेकर के 2.5 मीटर तक का साइज़ देते हैं अगर 36 इंच चौड़ाई वाले कपड़े में, तो उनका एक फुल बाजू का शर्ट बन जाएगा ईजी तरीके से। अगर वही साइज़ में अगर हाफ बाजू का शर्ट बनवाना हो तो 2 मीटर अप्रोक्सीमेटली आप दे सकते हैं। और ये जो साइज़ है, ये साइज़ अगर थोड़ा सा मोटा है तो इसमें 10-20 सेंटीमीटर बढ़ा करके दे सकते हैं, ताकि कपड़ा जो है सिलवाने के समय में उसको घट ना जाए, कम ना पड़ जाए। तो फिर आ जाता है हमारा 44 इंच का शर्टिंग, जो ये पीछे देख रहे हैं, ये मेरा ये 44 इंच का शर्टिंग है। इसको 2 फोल्ड करके हम 22 का रखे हुए हैं। तो ये 44 इंच का साइज़ अगर देते हैं अगर शर्टिंग में, तो एक फुल स्लीव का यानी कि लंबे बाजू वाला जो शॉर्ट होता है उसके लिए आपको देना पड़ जाएगा 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। 1 मीटर 80 सेंटीमीटर से लेकर के 2 मीटर तक का कपड़ा देते हैं तो उसका एक फुल स्लीव का शॉर्ट जो है वो बन जाएगा। अगर हाफ स्लीव का शॉर्ट अगर देना है तो उसमें आपको 1 मीटर 60 सेंटीमीटर तक का कपड़ा जो है देते हैं, तो उसमें आपको हाफ बाजू का जो है वो शॉर्ट बनेगा। तो उसके बाद आ जाता है 58 इंच चौड़ाई वाला जो है वो शर्टिंग आ जाता है। तो उसमें आपको जो ऐसे कि 1 मीटर 50 यानी कि 1.5 मीटर तकरीबन कपड़ा देने से फुल बाजू का जो है शर्ट वो उनका तैयार हो जाएगा। तो ये रहा शर्ट के ऊपर नॉर्मल इंसान के लिए। अगर थोड़ा मोटा है या थोड़ा पतला है या साइज़ छोटा है तो इसमें 5 सेंटीमीटर जो भी हो आप अपने तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे इन कपड़ों का अनुमान लगाना भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया शर्ट के ऊपर। फिर हम बात कर लेते हैं पैंट के ऊपर। तो पैंट जो है से कि आपका नॉर्मल पैंट जो है वो 58 इंच चौड़ाई में आता है, 58 से 60 इंच उसका चौड़ाई रहता है। और एक नॉर्मल बंदे यानी कि 5.5 फीट से लेकर के 6 फीट का अगर बंदा है तो उनको 1 मीटर 10 सेंटी से लेकर के 1 मीटर 20 सेंटी का जो ये जनरल साइज़ है ये पैंट के कपड़े में ये चलता रहता है। यानी कि 36-37 इंच लंबाई अगर कोई सिलवाना चाहता है तो उसमें आपको 1 मीटर 10 सेंटी का कपड़ा जो है वो इनफ है। इसमें आपका 38-40 इंच तक का कमर जो है वो कवर हो जाएगा और लंबाई आपका 36-37 इंच आ जाएगा इजी तरीके से। अगर 1 मीटर 20 सेंटी 25 सेंटीमीटर अगर बढ़ाते हैं तो लंबाई भी 1-2 इंच बढ़ते जाएगा और कमर भी आप 1-2 इंच बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया पैंट के कपड़े में। और पैंट के अंदर भी जो है, अभी तो रेडीमेड जो है वो हाफ पैंट अंडरवियर वगैरह ये सब चलते हैं, तो अगर कोई सिलवाना चाहे, जैसे कि हमारे जो थोड़ा एजेड अंकल टाइप के जो लोग होते हैं वो सिलवा करके पहनना पसंद करते हैं, तो हाफ पैंट जो है उनको सिलवाना अगर हो तो उसके लिए एक धाड़ी वाला स्पेशल कपड़ा आता है, 36 इंच पन्हा में आता है। तो 36 इंच पन्हा में आपको अगर हाफ पैंट सिलवा करके देना है तो 1 मीटर कपड़ा उसमें देना पड़ता है। जो धाड़ी वाला कपड़ा आता है, अगर मैं खोजूंगा कहीं पे फ़ोटो अगर मिल जाए उससे तो आपके स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा एडिटिंग के दौरान, तो वो चीज़ देख लीजिएगा। 1 मीटर का साइज़ जो है वो हाफ पैंट में आपको देना पड़ जाएगा। तो ये हो गया शॉर्ट और पैंट। फिर आ जाता है एक लेवल ऊपर, ज़्यादातर बिकने वाले जो होते हैं वो नेपाल में, हम बात कर रहे हैं कमीज और सलवार का कपड़ा होता है। नेपाल के लोग कमीज सलवार और दौरा सुरवाल जो है वो लगाना पसंद करते हैं। तो ये हमारे 44 इंच के साइज़ में ज़्यादातर आते हैं कमीज के कपड़े। तो इसमें कमीज और सलवार, यहाँ सलवार जो है वो थोड़ा सा टाइट चलता है, और वैसे हमारे जो इंडिया में है, इंडिया में आपको थोड़ा सा कि पैजामा जिसको बोलते हैं, तो पैजामा का चौड़ाई वो थोड़ा ढीला रहता है, ज़्यादा टाइट नहीं रहता है, तो पैजामा उसको बोलते हैं। तो कुर्ता पैजामा वो एक अलग वेराइटी है, लेकिन नेपाल में सलवार जो है जो जेंट्स लोग पहनते हैं वो थोड़ा सा फिटिंग जैसा ही होता है, लूज फिटिंग उसको कह सकते हैं, तो उसमें कपड़ा थोड़ा सा कम लग जाता है। यानी कि कमीज और सलवार बनाने में आपको 3.5 मीटर कपड़ा एक नॉर्मल इंसान के लिए ज़रूरी होता है। ये 44 इंच पन्हे वाले के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो 3.5 मीटर आपको नॉर्मल के लिए दे देना है,
3 मीटर 75 सेंटीमीटर या 4 मीटर कुछ ज़्यादा ही हाइट है। अगर अपने को रिस्क नहीं लेना है कि हाँ बाद में आगे चल करके सामने वाले कस्टमर का अगर कपड़ा घट जाता है तो हमें दोषी ठहराएं, तो रिस्क नहीं लेना है तो आप 4 मीटर दे दीजिए या 3.5 मीटर में जनरली ये पहुँच जाता है। तो ये हो गया कमीज और सलवार के ऊपर। फिर आ जाता है दौरा सलवार। दौरा सलवार जिसको समझते हैं, एक तरफ जो है उसका डोरी होता है, वो डोरी बांधते हैं, नेपाल का राष्ट्रीय पोशाक उसको बोला जाता है दौरा सलवार। तो दौरा सलवार के लिए आपको 4 मीटर 44 इंच वाले जो साइज़ है इसमें आपको 4 मीटर कपड़े देने होंगे, और 4 मीटर कपड़ा में दौरा और सलवार एक ही कपड़ा का ऊपर का और नीचे का पैंट भी है वो आपका बन जाएगा। तो ये हो गया दौरा सलवार के ऊपर। और इसके बाद एक हो जाता है कोट पैंट, जो कि शादी विवाह में अक्सर जो लोग पहनते हैं कोट पैंट, तो ये हमारा नॉर्मली 58 इंच का कपड़ा जो पैंट का शूटिंग का जो कपड़ा आता है ये इसी में कोट और पैंट दोनों बनते हैं। तो कोट और पैंट का कपड़ा जो है वो 3 मीटर आपको देना पड़ेगा। कोट और पैंट ये 3 मीटर में जनरली पहुँच जाता है। अगर हाइट थोड़ा ज़्यादा है या थोड़ा ज़्यादा ही मोटा इंसान हो तो उसके लिए आप 3 मीटर 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर ये आप बढ़ा सकते हैं। अधिकतम ये 3.5 मीटर के अंदर में कोट और पैंट बन जाता है। तो जनरली आप उसको राउंड फिगर में लेके चलिए, 3 मीटर कोट और पैंट देने के लिए ये काफ़ी हो जाएगा। तो कोट और पैंट जो है ये 58 इंच के पन्ने में ही आता है, शूटिंग का कपड़ा वही एक इकलौता है। बाकी इसके अलावा अन्य किसी भी कपड़े में अगर सिलवाना चाहें तो चौड़ाई के हिसाब से, ऐसे कि 58 इंच वाले चौड़ाई में आपको 3 मीटर कपड़ा लग रहा है तो जैसे ही 44 इंच के साइज़ में अगर कोई कपड़ा आता है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 36 इंच वाले कपड़े में अगर बनवाना चाहें थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं। आगे चल के आपको कोई भी परेशानी होती है तो नीचे कमेंट में हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, इन साइज़ में इस साइज़ के कपड़े में कितना कपड़ा लगेगा, मैं रिप्लाई ज़रूर से दे दूँगा आपको। उसके बाद फिर आ जाता है इस्टाकोट, जो कि हाफ बाजू का होता है, ऐसे कट कट करके ऐसे भी टाइप में आगे रहेगा और उसका बाजू हाफ रहेगा और पीछे का जो है बैक पल्ला जो है वो भी दूसरे कपड़े का रहता है। तो उसमें आपको 80 सेंटीमीटर कपड़ा देना होता है इस्टाकोट के लिए। बैक पल्ला अगर चाहे सेम कपड़ा बनवाने के लिए तो सेम कपड़ा में भी बन जाएगा 80 सेंटीमीटर में भी। ज़्यादातर लोग जो है पीछे दूसरे उसी कलर के मैचिंग के हिसाब से वो कपड़ा डालते हैं, तो ये टेलर वाले का काम है। अगर आप 80 सेंटीमीटर देते हैं तो फ्रंट और बैक दोनों पल्ला सेम बन सकता है। 80 सेंटीमीटर में आपका इस्टाकोट बन गया। फिर आ जाता है मोदी कोट। नेपाल में उस चीज़ को ज्वारी कोट बोलते हैं और इंडिया में उस चीज़ को मोदी कोट बोलते हैं। तो मोदी कोट बनवाने के लिए आपको 1 मीटर 10 सेंटी या 1 मीटर 20 से 25 सेंटीमीटर हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके आपको देना होगा। तो 1 10 और 1 20 ये जो साइज़ है इसमें मोदी कोट आपका बन जाएगा, वो भी हाफ बाजू का रहता है और यहाँ तक उसका बटन रहेगा, यहाँ तक यहाँ से सीधे नीचे तक का जो है वो बटन रहता है, तो वो मोदी कोट कहलाएगा। और जो वी कट में है वो इस्टाकोट कहलाएगा। इस दो कोट में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा है, तो इसके लिए आपको मैं स्क्रीन के ऊपर जो है फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये चीज़ें हैं दोनों अलग अलग चीज़ है, इस्टाकोट और इस्टाकोट को लोग वास्कोट भी बोलते हैं, इस्टाकोट और मोदी कोट या जुआड़ी कोट बोल सकते हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें देख लीजिएगा। कोट तो खैर अपना है ही जो फुल बाजू का है। तो ये सब जनरली जो है बिकने वाले जेंट्स के कपड़े में होता है। इसके अलावा और अगर कोई कपड़ा बिक रहा है मेरे यहाँ तो जनरली यही चीज़ बिकता है। पहले क्या था, सफारी सूट वगैरह जो है वो बिकता था, अब सफारी सूट कोई लगाता भी नहीं है, रेयरली किसी को हम देखते हैं कि यहाँ सफारी कोट, वो भी पुराने डिज़ाइन का, तो अब वो नहीं चलता है। तो उसके बारे में आपको जानकारी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जानना चाहें तो उसमें भी तकरीबन कोट जैसा तो नहीं है, शॉर्ट होता है, हाफ बाजू का शॉर्ट होता है, पॉकेट दोनों साइड में रहता है, उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन जो कस्टमाइज़ किए जा सकते हैं तो डिज़ाइन हो जाता है दोनों पॉकेट पे। और एक पैंट तो जनरली है, तो पैंट के लिए आपको वही जो कपड़ा 1 10 1 20 उसको जोड़ लीजिएगा, और जो हाफ शर्ट जो है 58 इंच में कितना 1.5 मीटर लगता है, तो यानी कि 2 मीटर 70 80 सेंटीमीटर में ये सफारी सूट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो यही चीज़ है, आप देख लीजिएगा। अगर हमसे कुछ छूट रहा है कौन सा ड्रेस बनाने के लिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर से पूछिएगा, ज़रूर रिप्लाई देंगे हम आपको। बस अब वीडियो कंटिन्यू रहेगा, बिजनेस से रिलेटेड जितने सारे टॉपिक्स हैं हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस सभी टॉपिक्स को पूरा कर दें ताकि आप भी एक दुकानदार बन जाएं। और आज का वीडियो इतना ही रहेगा। नए दुकानदार अगर कोई दुकान करना चाह रहे हैं तो उनके नज़रिए से ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लेडीज़ कपड़े के ऊपर जो बात किया हुआ था कि लेडीज़ कपड़े में कौन से कपड़े सिलवाने में कितना कपड़ा दिया जाता है, उसका जो है वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, जाकर देख सकते हैं। हो सकता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।